इन 75 दिनों में देश का ऐतिहासिक ग्रीन बजट आया। कर्नाटका के शिवमोगा में एयरपोर्ट का लोकार्पण हुआ। मुंबई में मेट्रो रेल का अगला फेज शुरू हुआ। देश में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज चला। बेंगलुरु मैसूरु एक्सप्रेस वे शुरू हुआ। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का एक सेक्शन शुरू किया गया। मुंबई से विशाखापट्टनम से वंदे भारत ट्रेनें चलनी शुरू हुई। IIT धारवाड़ के परमानेंट कैंपस का लोकार्पण हुआ। 21 द्वीपों को परम वीर चक्र विजेताओं के नाम किया। E20 फ्यूल लॉन्च किया। तुमकुरु में एशिया की सबसे बड़ी आधुनिक हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का लोकार्पण हुआ है। एयर इंडिया ने दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन ऑर्डर दिया है। ई संजीवनी के माध्यम से 10 करोड़ टेली कंसल्टेशन का मुकाम हासिल किया है। 8 करोड़ नए टैप वाटर कनेक्शन देने का मुकाम हासिल किया। यूपी उत्तराखंड में रेल नेटवर्क के 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा हुआ। पुनो नेशनल पार्क में 12 चिताओं का नया बैच आया है। भारतीय महिला टीम ने अंडर-19 क्रिकेट में T20 वर्ल्ड कप जीता है। देश को 2 ऑस्कर जीतने की खुशी मिली है। हजारों विदेशी डिप्लोमेट्स और विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि G20 की बैठकों में हिस्सा लेने के लिए भारत आए। G20 की 28 अहम बैठकें हुई हैं। एनर्जी समिट हुई, ग्लोबल मिलेट्स कॉन्फ्रेंस हुई, बेंगलुरु में हुए एयर इंडिया में हिस्सा लेने के लिए 100 से ज्यादा देश भारत आए। सिंगापुर के साथ UPI लिंकेज की शुरुआत हुई। तुर्की की मदद के लिए भारत ने ऑपरेशन दोस्त चलाया। भारत बांग्लादेश गैस पाइपलाइन का लोकार्पण हुआ। ये 75 दिनों की ही इतनी लंबी लिस्ट है कि समय कम पड़ जाएगा।